और जी, आलोपी माता के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं मिर्जापुर की ओर। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, मैं मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ। ये वही मिर्जापुर है जो हमने टीवी में वेब सीरीज में देखा है। तो मिर्जापुर हम जाएंगे। एक्चुअली वेब सीरीज में तो यही दिखाया गया है कि मिर्जापुर में ये ना लड़ाई दंगे झगड़े होते हैं, बट एक्चुअली में मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता का बहुत ही अच्छा और बड़ा मंदिर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विख्यात है, पॉपुलर है। तो मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ पे विंध्यवासिनी माता का मंदिर है, तो उसके दर्शन करने चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि यार डायरेक्टली इलाहाबाद से बस लेकर चलते हैं विंध्यवासिनी माता के मंदिर में, जो वो है मिर्जापुर में। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये रेड वाली बस है, ये उत्तर प्रदेश की बस है, तो इसमें मैं बैठ चुका हूँ। और नज़ारा आपके सामने है, बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो सुंदर दृश्य है वो आपके सामने है, और पुल से अभी बस गुजर रही है। तो बस लेके हम जाएंगे, और लगभग 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है इलाहाबाद से मिर्जापुर का। तो मैंने यही प्लान आउट किया है कि मैं दिल्ली से आया था, बाई ट्रेन में उतरा हूँ इलाहाबाद में। इलाहाबाद में हमने दर्शन किए प्रॉपरली, संगम में, त्रिवेणी में स्नान किया, ठीक है, आलोपी माता के दर्शन किए, जो लेटे हुए हनुमान जी हैं उनके दर्शन किए, आप बाकी की वीडियोस में देख सकते हैं। और अभी हम चलते हैं विंध्यवासिनी माता के वहाँ मिर्जापुर में। एक्चुअली यहाँ से मैं बनारस की भी बस ले सकता था, लेकिन मुझे लगा कि डायरेक्टली क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे पास 2 दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेसेस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो मैं कवर कर पाऊँ, आप लोगों को दिखा पाऊँ। और ये देखिए, जो ट्रेन ऐसे जा रही है ना, वही मिर्जापुर की वेब सीरीज की मुझे तो याद दिलवा दी थी इसने, ऐसे चलती हुई ट्रेन में। तो खैर, ये है कि मैं बोल रहा था कि मुझे यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पॉइंट्स कवर करूँ, तो इसीलिए अपन चलते हैं अब मिर्जापुर की ओर। बस जल्दी ही मिर्जापुर पहुंचा देगी, 2-2.5 घंटे लगते हैं। तो वहाँ पे चलेंगे, आराम से माता के दर्शन करेंगे, और वहाँ से ये प्लान है कि मिर्जापुर से डायरेक्टली अपने को बनारस, काशी, वाराणसी, कुछ भी आप कह सकते हैं, वहाँ की बस मिल जाएगी, और मैक्सिमम आई गेस 1.5 से 2 घंटे लगेंगे वहाँ पे भी, बट पहुँच जाएंगे आराम से। और बड़ा ही अच्छा एरिया है यहाँ पे, मतलब आप डिटेल देखिए, बहुत ही मज़ेदार आपको व्यू नज़र आएगा वीडियो में। ग्रीनरी है, कहीं कहीं पहाड़ आपको नज़र आते हैं, कहीं पर प्लेन एरिया है। तो ठीक है, मतलब आप बोर नहीं होते हो, तो रास्ता ऐसा होना चाहिए। एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड हम लोग यूपी में हैं, तो कहीं ना कहीं गाँव का वो टेस्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। और फाइनली हम आ गए हैं अभी मिर्ज़ापुर में। तो एक्चुअली में ये मिर्ज़ापुर है, और सामने का जो रास्ता है, जो चढ़ाई जा रही है, तो वो है विंध्यवासिनी माता के लिए। अभी हम ले लेते हैं थोड़ा सा प्रसाद यहाँ पर, और प्रसाद वाले वही है कि उनका तो काम है यार कि वो अपने हिसाब से अपसेलिंग करते हैं। तो मैंने जो रिक्वायर्ड था, मुझे नारियल होता है जनरली, क्योंकि माता का मंदिर है, चुनरी होती है, और थोड़ा सा प्रसाद होता है, वो ले लिया है। और फिर हम चलने वाले हैं माता के मंदिर की ओर। बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी आपको मिल जाएंगी रास्ते में। तो मेरे पास जो लैपटॉप था, जो भी सामान था, वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया है दुकान वाले के पास। शूज़ वगैरह सब यहीं पे उतार दिए हैं। और आप तब तक मिर्ज़ापुर को देखिए, एक्चुअली में अलग है, जो वेब सीरीज में नज़र आता है उससे अलग है, क्योंकि हम सब लोगों की माइंड में एक इमेज बन गई थी कि अरे ये मिर्जापुर इस तरीके का है, तो थोड़ा सा अलग है। और अभी सावन का भी महीना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे कावड़, कावड़िए भी नजर आ जाएंगे, तो जो उनका ड्रेस कोड होता है भगवा, वो आपको नजर आ जाएगा। बहुत लोग हैं, और मेरे साथ में एक अंकल जी हैं जो एक्चुअली में मुझे बस में मिल गए थे, तो ये भी माता के मंदिर में ही आ रहे हैं, तो हम लोग फिर वहां से साथ में ही आ गए। इनको कुछ आइडिया है वैसे यहाँ का?
तो इसीलिए ये मुझे गाइड भी कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा कि कैसे क्या करना है। और चलते चलते जी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, प्रसाद की, शॉपिंग की। ओके, आप कुछ खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं यहाँ से। जैसा कि जनरली होता है हर जगह, जब हम कहीं मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो बाहर दुकानें होती हैं प्रसाद के लिए, सामान लेने के लिए, पूजा का सामान लेने के लिए। तो अच्छा है मौसम, अगर मैं बताऊं तो बिल्कुल सही है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, क्योंकि दिन में थी गर्मी बट अभी मतलब इट इज़ क्वाइट ओके। और ये भाई लोग मिले हैं अपने को, इनकी दुकान है भैया की यहाँ पर प्रसाद की। ओके, तो ये देखिए, तो अच्छा लगा इनसे भी मिलकर। और जी इन्होंने हमें अलाउ किया, एक्चुअली रास्ता थोड़ा ख़राब था तो इनकी दुकान के अंदर से हम गए और वो रास्ता फिर चला इस तरीके से, एक पतली गली है तो जो मेन रास्ता है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो जिस वजह से वो बंद था, तो हम ये पतली गली से निकल रहे हैं। वो कहा जाना कि पतली गली से निकल लिए, तो हम पतली गली से निकल रहे हैं और ये लीजिए फाइनली सामने माता जी का मंदिर है, विंध्यवासिनी मैया सामने इसी मंदिर में विराजमान होती हैं। तो चलते हैं दर्शन करते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि कैमरा वहां पे अलाउड नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा जहां तक भी कैमरा जा पाए आई ट्राई कि मैं आपको दिखा पाऊं। ओके, तो भीड़ है, वैसे लग रही है भीड़ बिकॉज सैटरडे संडे का टाइम है तो वीकेंड पे जाहिर सी बात है भीड़ होगी, लेकिन भाई हमें तो अपने वीकेंड का पूरा यूज करना है क्योंकि 2 दिन का ही समय है। तो इसीलिए आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ, चाहे वो इलाहाबाद है, वो बनारस है या फिर मिर्ज़ापुर है। ओके, क्योंकि कल रात की ट्रेन है वापसी की, फिर वापस दिल्ली और फिर वही ऑफिस, ऑफिस वाला अपना शेड्यूल। ये लीजिए जी हम लोग मंदिर में हैं एंड भीड़ इस टाइम है काफ़ी, और देखते हैं कितना समय लगता है, अपने को लाइन में लगना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंतज़ार करते हैं कि कितना समय लगता है अंदर मेन मंदिर में दर्शन होने के लिए। लेकिन अच्छा था, सब लोग बड़े ही एक्साइटेड से एक्साइटेड थे, माता रानी के जयकारे सब लोग लगा रहे थे अच्छे से, बहुत ही मज़ा रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ रहे हैं, भीड़ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। ओके, तो ये देखिए छोटे बच्चे बड़े सब लोग मतलब फैमिली के साथ आए हैं, कोई अकेला आया है, और उस तरफ कुछ लोग जो कावड़ लेकर आए हैं। तो जी लाइन है थोड़ी लंबी, लेकिन माता का नाम लेते रहेंगे, जयकारे हम लोग कहते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और माता रानी का आशीर्वाद आप सबको भी प्राप्त हो। मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगा कि सब लोग अच्छे से अपना दर्शन करें, सब लोगों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो अच्छे तरीके से। और ये बाहर का नज़ारा है एक्चुअली, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी दर्शन हो गए हैं बहुत ही बढ़िया वाले, तो अब हम जल्दी ही चलेंगे आगे की ओर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं बिकॉज टाइम भी काफ़ी हो गया है, और मुझे यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बनारस में टाइम से पहुँच जाऊँ। तो बस का भी अभी मुझे नहीं पता है, तो वहाँ पे अभी जाकर मुझे चेक करना होगा बस स्टैंड पर, तो ये भी देखना है बस स्टैंड यहाँ से कितनी दूर है। तो जी हम चल रहे हैं अब मिर्ज़ापुर की गलियों को दिखाते हुए आप सभी को, और थोड़ी थोड़ी फील वैसे आ रही है मुझे मिर्ज़ापुर वाली, क्योंकि पुराने घर यहाँ पे आपको नजर आएंगे जब भी आप यहाँ पे आएंगे। ओके, और उसी तरीके से जो एक टोन है बातचीत की लोगों की, वो कहीं ना कहीं आपको याद करवा देगी मुन्ना भैया और जितने भी कैरेक्टर हैं मिर्ज़ापुर की वेब सीरीज के अंदर। तो ये एकदम अच्छा एक्सपीरियंस है वैसे अभी तक मेरा, और मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको सिंपली है बना अपना बस मिल जाएगी इलाहाबाद से। ओके, आप इजीली वहाँ से बस लेकर मिर्ज़ापुर आ सकते हैं और विंध्यवासिनी माता का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं माता रानी के अच्छे तरीके से। तो अभी हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर, जल्दी ही
बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, किसी ने मुझे बताया था कि थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं अभी पैदल चल रहा हूँ बस स्टैंड की ओर। वहाँ पर जाकर फिर पता करते हैं कि कितना समय है एक्चुअली में जो बस है वो अवेलेबल है नहीं है, उसकी टाइमिंग क्या है, तो ये भी देखना पड़ेगा अपने को। और भाई एक और चीज़ मुझे बढ़िया लगी यहाँ पर ना, जब भी आप आए तो आपको मतलब ये खाने पीने के आइटम बहुत मिलेंगे, लाइक छोटे छोटे समोसे होते हैं और बड़े ही टेस्टी होते हैं। और ये देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं एक्चुअली में तो समोसे मैं बता रहा था आपको कि समोसे होते हैं यार, इनकी ना चटनी बड़ी अलग होती है, मैंने खाई और उसमें मतलब लहसुन की चटनी होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, तो बड़ा ही जबरदस्त लगा। ये देखिए पुराने पुराने घर, तो जब भी आप यूपी साइड आए ना तो ये छोटे छोटे समोसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मतलब बड़े ही क्रिस्पी होते हैं तो और मज़ा आ जाएगा खा के ना, चटनी बड़ी स्पेशल होती है, तो इसीलिए आप भी ट्राई कीजिएगा, मुझे लगा आपको बता दूं। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं बस स्टैंड की ओर, एंड आपने अभी देखा है जी पूरा मिर्ज़ापुर का एपिसोड, तो मिलते हैं आगे जल्दी ही काशी पहुँच कर, फिर बातचीत करते हैं दोबारा, तब तक अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा बढ़िया तरीके से, ओके, और खुश रहिएगा, हेल्दी रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और ये है जी मिर्ज़ापुर का बस स्टैंड, वैसे खाली है अभी, और जो वो मुझे लगता है वो जो सामने जो रेड कलर की बस है ना वही